देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रोजगार मांगने के लिए भीगते पानी में बैठे हुए हैं। बरसात हो रही है लेकिन यहाँ पे आला अधिकारियों को सूझ नहीं है कि वाकई हमसे मिल सके। लेकिन हम लोग बिहार मानने वाले नहीं है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा है और यहाँ पे रोजगार का अधिकार पहला हमारा है और जब तक हमको रोजगार नहीं देंगे तब तक हम लोग इसी तरीके से भीगते पानी में बैठे रहेंगे। चाहे बाढ़ आ जाए चाहे तूफान आ जाए, ये छत्तीसगढ़ हमारा है और नौकरी में पहला अधिकार हमारा है और यह अधिकार भूपेश बघेल को देना होगा। आप किस तरीके से छलावा कर रहे हैं युवाओं से, आप भेज मुलाकात युवाओं के साथ कर रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरोजगार युवा साथी बैठे हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, आपको थोड़ा भी आभास नहीं हो रहा है। ये लोग पानी में मेरी बहन मेरे भाई यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं लेकिन आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आदरणीय भूपेश बघेल जी आपको चेतावनी है, आप याद रखिएगा ये एक अक्स समय याद रखा जाएगा 2023 में जब चुनाव होगा उस समय यही अभ्यर्थी कर आपको 2023 में इस धानपुर से बाहर करने की कसम खाकर देंगे। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप जल्द से रोजगार युवाओं को रोजगार दे। आप देख सकते हैं मतलब हमारे अभ्यर्थी है ओलंपिक में बरसात में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आपके आला अधिकारी देख रहे तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग करते रहेंगे, तब तक इसका यह आंदोलन जारी रहेगा। भूपेश बघेल जी अभी डरता नहीं है और हम डरने वाले लोग नहीं है, आखिरी तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक स्थानीय लोगों को छत्तीसगढ़िया लोगों को 100 में 100% यहाँ पे नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।